हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे यदि आपका भी वाईफाई काम नहीं कर रहा है, यानी कि मान लीजिए आपने हार्ड डिस्क ओपन किया है और आपका वाईफाई इसमें शो ही नहीं हो रहा है और ऐसा शो हो रहा है जिसमें आपका पासवर्ड ही नहीं पता है। जैसे अगर मुझे एक्सेस करना हो तो मैं कनेक्ट चाह के भी नहीं कर पाऊँ क्योंकि मुझे इसका पासवर्ड ही नहीं पता है और जो मेरा ओपन है वो मुझे शो ही नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। यदि आपको कोई और ऑप्शन बता रहा है, समझ लीजिए सब ठीक है, इसे कोई भी काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ एकदम 100% काम करने वाला है, क्योंकि ये मैंने हर बार इसको रियलाइज किया है कि मैं जितनी बार अन्य लोगों को वीडियो देखकर करता हूँ वो काम नहीं करता है। तो इसमें क्या है, आपको सबसे पहले तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करा हुआ कोई ऑप्शन नहीं, यदि आपके पास कोई भी चीज़ है तो उसको सेव करके रखें, सेव कर दें, उसके बाद से तुरंत इसको रीस्टार्ट करेंगे। इसे रीस्टार्ट कर देंगे उसके बाद से जो आपका वाईफाई चार्ज, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पे गैलेक्सी वाला है तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैं इसको रीस्टार्ट कर दूंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि यह मेरा काम करेगा। अभी मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद फिर मैं इसको रिस्टार्ट करता, तब तक मैं वीडियो को पास करता हूँ ताकि अगली बार मैं फिर जब रिकार्ड करूँ तो आपको दिखे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो मैं इसको बंद, अब मैं अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर दिया, और रिस्टार्ट करने के बाद देखिए, अब मैं यहाँ पे जब जाऊँगा वाईफाई फिर, तो देखिए जो मेरा काम नहीं कर रहा था ना यहाँ पे, जो वहाँ पे दिखा रहा है कि नेटवर्क नहीं है, अब देखिए मेरे को दिखा रहा है कि जो है M1 की जो है M14 गैलेक्सी मेरा है वो मुझे शो हो रहा है, और बहुत सारे जो इंटरनेट के जो ऑप्शन थे वाईफाई वाले वो गायब थे, वो अभी इनेबल हो गए हैं। तो जब आप रिस्टार्ट कर देंगे तो आपका ये वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम केस में यही होता है कि आपका जो है रिस्टार्ट नहीं करते हैं, उसी की वजह से ऐसा होता है। अगर रिस्टार्ट कर देंगे तो आपका ये कनेक्शन फेल या फिर इस तरह का एरर जो आ रहा है कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और या डिवाइस ही आपका वाईफाई शो नहीं कर रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको रिस्टार्ट एक बार जरूर करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे ओबीएस यूज किया हूँ इसलिए आपको ये वाला स्क्रीन दिख रहा हो, लेकिन मैं ऐसे ही किया था तो मेरा सॉल्व हो गया था।